ये देखें, एक तो उसकी सीढ़ियां किधर हो जाती हैं। अच्छा, इस जगह से ना उस वक्त, अच्छा ये जो वीडियो है ना, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस इलाके से चले गए हैं, बेशक प्रदेश में किधर भी, उनके लिए, उनकी यादें इधर वो बसता थे, उनके बुजुर्ग इधर दफन है, उनके प्यारे इधर दफन है, ये वीडियो उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे अल्लाह पाक के फजल व करम से। तो इस दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है, इस वक्त मैं राठिया में हूँ, आपको ये मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा होगा, आगे थोड़ी थोड़ी धुंध है कि अब तब कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मेरा ये प्रोग्राम है उसे पास जाके देखूँ, क्योंकि मंगला डैम का पानी जब का आ रहा है ना, तो उसका मीनार हल्का सा टूटा हुआ, उसे पास जाके देखना चाहता हूँ। और ये देखें, ये जो फूल लग गए हैं साग के, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और जब इधर भी अभी साग लगा हुआ है बीच बीच, इन्होंने जो कनक लगाई है गंदम, उसके बीच ही लगा हुआ है, तो जब ये फूल लग लगे काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और जब ये देखें सूरज का, जो सूरज की जो रोशनी पड़ रही है ना, इससे ये कितना लाइट ग्रीन शेड दे रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब मैं उधर जाता हूँ मीनार के पास, इधर से रास्ता काफ़ी ख़राब है, ये कच्चा ही रास्ता है, ये लोगों ने खुद ही बनाया हुआ है, ट्रैक्टर वगैरह जाते हैं, तो उधर जाके ना पास जाके वीडियो बनाता हूँ। तो मैं जाता हूँ, अब बाइक स्टार्ट करता हूँ। एक कच्चा रास्ता है सारा, क्योंकि पानी आता है ना, तो जिसकी वजह से ना ये रास्ता ख़राब हो गया, तो लोगों ने फिर अपनी मदद आपके तहत ये रास्ता टोटली सारा सही किया है। अच्छा, ये देखें मंगला डैम का पानी आता है, तो जिसकी वजह से रोड काफ़ी ख़राब हो गई है, जो रास्ता लोगों ने खुद बनाया हुआ है, पत्थर ही पत्थर निकल आए हैं। ये देखें, कभी कभी इधर लोग ने अपनी मदद आपके तहत इस रास्ते को ठीक करते हैं, खाका फेंक देते हैं, ताकि मोटरसाइकिल और ट्रैक्टरों के लिए आसानी हो, ट्रैक्टर तो फिर भी गुजर जाते हैं, मोटरसाइकिलों के लिए थोड़ा मसला होता है। ये देखें माशाल्लाह मुर्गाबियाँ जा रही हैं। ये देखें जी, ऊपर नीला आसमान, नीचे सब्ज, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये रास्ता है ख़राब, लेकिन नया शॉर्टकट मेन से आता ना, थोड़ा टाइम लग जाता है इधर, 15-20 मिनट फालतू लग जाते इधर आने में। ये रास्ता पहले ठीक हुआ करता था, जब लोग बसते थे ना, पानी की वजह से ख़राब हो गया। इस रास्ते का ना ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनकी ज़मीनें हैं इधर। आपने कमेंट्स में बताना कि आप इस इलाके से थे, डैम मुतासिर होने से आप किस जगह शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी ना, उस जगह से साग सरसों का उतारा था, तो अब उधर फूल निकल आए हैं, क्योंकि किसी ने नहीं उतारा ना, वो ये जल्दी पक जाते हैं। जिस तरह ये अब मैं दिखाता हूँ, इस तरह के ना येलो येलो ना उधर फूल निकल आए, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत फूल लग रहा है। ये देखें हर तरफ हरियाली हरियाली है, जिधर नज़र घुमाओ, और सूरज से आपको सीधा पहाड़ है ये, इधर लेंस में तो नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इधर जो है ना इन्होंने बीच लेट फेंके, इसलिए ये इतने अभी हरियाली सही नहीं हुई। ऐसे जिधर आप नज़र दुराए ना इसी तरह ही है। आगे मैं जाता हूँ, इधर से रास्ता जा रहा है उस मीनार के पास, मैं जूम करता हूँ ये। अच्छा, ये मस्जिद का मीनार है जो दूर से मैंने आपको दिखाया था, ये देखें अभी तक यानी खड़ा हुआ, ऊपर से थोड़ा जख्मी सा हुआ है। जब मंगला डैम का पानी आता है ना, तो ये पूरा डूब जाता है, हल्का सा ऊपर जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है चांद सारा सितारा बना हुआ है, तो वो बस नज़र आता है, बाकी मुकम्मल डूब जाता है ये। तो मैं दिखाता हूँ आपको, इधर सीढ़ियाँ वगैरह बननी होंगी। और ये भी मस्जिद जो है ना काफ़ी बड़ी थी, जामिया मस्जिद थी। ये देखें, अच्छा मैं बाइक में आया हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता इधर से भी क्या पता शॉर्टकट है या नहीं है, क्योंकि बाइक्स वाले वो कोई बाइक आ रहा है, मैं क्यों काफ़ी घूम के आया हूँ, वो बाइक आ रहा है क्या पता इधर से है या नहीं, अब इसका नहीं पता। ये देखें,
देखता हूँ इसकी सीढ़ियाँ किधर हो जाती हैं। अच्छा, इस जगह से ना उस वक्त ये सीढ़ियाँ थी, ये बनाई हुई हैं सीढ़ियाँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बीच में से कुछ ये पिलर सरिये नज़र आ रहे हैं आपको, मैं दिखाता हूँ। ये अब सीढ़ियाँ की हालत भी ऐसी, अगर सीढ़ियाँ होती भी तो इस बिल्डिंग में, इस जगह में ऊपर जाना था गैर मुनासिब था। ये देखें, और ये शहीद हो गए। और मस्जिद है ना काफ़ी ये बड़ी थी, वो आपको इंटे नज़र आ रही हैं, उधर से ले के इधर तक थी, और आगे भी इसका काफ़ी यानी ऐसी जगह, और ये काफ़ी ज़्यादा थी, और ये जामिया मस्जिद थी। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके, अभी जिधर जिधर इसकी इंटें पड़ी हुई हैं ना, ताकि आपको पता चले कि ये देख लें कितने दूर दूर पड़ी हुई हैं, और ये कितना फासला है, और किधर है ये, और ये जामिया मस्जिद थी। अच्छा, ये जो है ना मस्जिद छपड़ी बाज़ार में ही है, बीच बीच में इसका ये फर्श पड़ा हुआ है निशानी के तौर पर। जगह ये जो ऊपर नीचे होगी है ना, ये हुई है डैम आने की वजह से, डैम बिल्कुल साथ है, ये है डैम आता है ना, तो ये जो है ना टोटली डूब जाता है, कुछ नज़र नहीं आता, हल्का सा ऊपर जो चांद सितारा है ना वो नज़र आता है। अच्छा, पुराना मीरपुर जो है उधर सब कुछ था, यानी कि लोग बसते थे, दुकानें थी, कोर्ट कचहरी थी। तो जब उधर डैम आया तो लोग उधर से ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, फिर उधर डैम आया राठियाँ की साइड, जो जो उसकी दूध थी उधर से लेके अब जिधर डैम आया, कोई न्यू सिटी चला गया, छपड़े चला गया, बन खुरमा चला गया, सब आगे पीछे हो गए हैं। यानी इस जगह जिधर मैं मौजूद हूँ, इधर भी बाजार था, सब कुछ मौजूद था, लेकिन सब कुछ पता चल रहा है कि कुछ इधर होता था, जो जिनका ना इस गांव से ताल्लुक हुआ बसता है उन्हें तो पता होगा ना, जो आजकल की नस्लें हैं उन्हें नहीं पता होगा कि किधर क्या था। अच्छा, इस जगह ना मस्जिद है, वो पीछे मस्जिद है, तो इस जगह बसें रुकती थी। ये बातें मुझे इस तरह पता है क्योंकि मेरा इस गांव से ताल्लुक था, और मैं समझता हूँ अभी भी मेरा ताल्लुक है इस गांव से, मेरी यादें जुड़ी हुई हैं जो खींच के लाती हैं इधर। वो जो एक मस्जिद वो है, वो एक ये है, और ये दोनों ने आमने सामने है। अच्छा, उस वो मीनार देखें किधर है, यहाँ तक आता है, और ये साथ ही गार था, और कुछ दुकानें मेन पे दुकानें हुआ करती थी, शॉप्स थी, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इधर भी कुछ शॉप्स हुआ करती थी। अच्छा, इससे पीछे मेन पे कोई गार नहीं था, उसकी जो बैक साइड थी, पिछली साइड थे ना, उसमें गार उधर हुआ करते थे। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस इलाके से चले गए हैं, बेशक प्रदेश में किधर भी, उनके लिए, उनकी यादें इधर वस्ता थी, उनके बुज़ुर्ग इधर दफन है, उनके प्यारे इधर दफन है, ये वीडियो उनके लिए। अब मैं वापसी का रास्ता इख्तियार करता हूँ, तो वापसी में भी मैं वीडियो बनाता जाऊँगा और आपसे बातचीत करता जाऊँगा, ताकि अब जिनकी इधर यादें वस्ता थे ना, वो देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगी कि जिधर मैं खड़ा हूँ ये कौन सी जगह है, और इसके राइट लेफ्ट कौन सी दुकानें, कौन सा बाजार हुआ करता था। मैंने कहा सुबह सुबह आते हैं, वीडियो बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें साग रेडी हो गया, येलो येलो फूल निकल गए हैं, जिधर जाओ ना येलो येलो फूल निकलते जा रहे हैं। अच्छा, ये डैम गहरा आता है ना, रोड काफ़ी ख़राब है, ये देखिए नीचे इसी तरह ही है, ये तो फिर बेहतर है, आगे तो बिल्कुल ख़राब है, पत्थर निकले हुए हैं। जिधर मैं राठियाँ गांव से आया हूँ उधर बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। जितनी भी ये ज़मीनें उस वक्त इसी तरह थी, आबादी इससे पीछे थी, दुकानें कुछ है थी मेन पे शादर नादर, लेकिन ज़्यादा आबादी पीछे थी,
इधर से नजर आती थी कि लोगों के घर है, बस्तियां बनी हुई हैं, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरी जिधर नानी का गांव था राठिया, तो अब वो जो मस्जिद है ना राठिया गांव, उधर चला गया सारा जो डैम से मुतासिर हुआ है, सब उधर चला गया।